now let's move on to the third stanza of our poem and discuss difficult words from this stanza there is just one difficult word in this stanza and that is trodden it means walk heavily or roughly urdu kahenge lambe lambe kadam utana

तो ये एक ह्यूमन नेचर होती है कि जब आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं उनमें से आप एक को चूज़ करते हो आपके माइंड में हमेशा ये क्यूरोसिटी रहती है कि ओके दिस इज़ द थिंग आई हैव चूजन तो जो दूसरी चीज़ होती है हम सोचते हैं कि पता नहीं उसमें कौन सी कन्वीनियंसिस होंगी कौन से एडवांटेजेस होंगे जिनको हमने छोड़ दिया है द सेम थिंग इज़ हैपनिंग एट द पोइट। अब उसने एक रोड पर चलना शुरू कर दिया है जो दूसरा रोड रह गया था जो उसने छोड़ दिया था उसको वो कहता है कि नेक्स्ट डे उस पे ट्रेवल करेगा मीन्स ही वॉन्ट्स बोथ ऑफ द रोड्स। तो फिर क्या होता है दूसरी ही लाइन में वो, वो कहता है हो सकता है कि जिस रोड पर मैंने चलना शुरू कर दिया है उससे आगे बहुत सारे पाथ्स निकल हैं बहुत सारे वेज निकल हैं जिससे वो अपने फ्यूचर के और करीब हो जाए और जिससे वो कभी वापस आ ही ना सके तो वो जो रोड रह गया है उस पर ट्रैवल नहीं करेगा सो so, ये जो लाइनस है ये हमें क्या शो कर रही हैं उसकी मेंटल स्टेट के वो बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है अपने चॉइसेस के बारे में बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव है साथ ही साथ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज और पसल है कि पहले कहता है कि जो रोड रह गया है उसको मैं कल आकर कवर करूँगा दूसरी लाइन में कहता है कि नहीं क्या पता कि मैं वापस आऊँ ही ना और जो रोड मैं चल रहा हूँ उसके आगे बहुत से पाथ्स निकल आए सो दिस इज़ द कन्फ्यूजन फिर पोइट क्या कहता है कि जैसे कि हम मेटाफोरिकली इस पोइम के बारे में बात कर रहे हैं ये जो रोड्स की बात हो रही है एक्चुअली हमारी लाइफ की चॉइसेस के बारे में बात हो रही है तो पोइट कहता है कि देर आर मेनी डिफाइनिंग डिसीजंस इन अ परसन लाइफ और वो डिसीजंस जो होते हैं वो हमारा फ्यूचर आगे की आने वाली लाइफ को शेप करते हैं आगे जो हमने चॉइसेस लेनी होती हैं वो पीछे की चॉइसेस पर डिपेंड करती हैं एंड सम टाइम्स व्हेन वी बी एन ऑप्शन इन दीज मोमेंट्स दे चेंज द कोर्स ऑफ आवर लाइफ और हमारी लाइफ का आगे का कोर्स इतना बदल चुका होता है इतना चेंज हो चुका होता है कि फिर वहाँ से पलट के आना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है फिर पॉइंट कहता है कि इसकी जो स्टेंजा के एनालिसिस है उससे हमें यह पता चलता है कि लाइफ इज नॉट अबाउट द चॉइसेस जो हमने ली नहीं थी जो रोड हमने लिया नहीं था लाइफ इज़ अबाउट द रोड वी हैव टेकन तो जो छूट गया है उसे छोड़ देना चाहिए जो पास है उसके बारे सोचना चाहिए कि अब इस पे डिपेंड करते हुए हमारी आगे की लाइफ क्या होगी और किस तरीके से बेटर बन सकती है लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट टेंजर देर इज़ वन डिफ़िकल्ट वर्ड इन दिस एंड दैट इज साई इट मीन्स अ लॉन्ग डीप ऑडिबल एक्सलेशन एक्सप्रेसिंग सैडनेस रिलीफ टाइडनेस और सिमिलर उर्दू में से कहेंगे आह भरना इट्स मूव वॉन् टू इट्स एक्सप्लेनेशन एंड दीज लाइट है फ्राम दोम दुल नॉट टेकन रिजन बाई पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट अब लास्ट टेंस में पोइट क्या कहता है वो एक स्टोरी up कर रहा होता है अपने माइंड में और बहुत दूर की सोच रहा होता है कि आने वाले वक्त में मैं सबको बताऊंगा कि जो भी आज मैं हूँ वो मेरी पिछली चॉइसेस की वजह से हूँ एंड इट्स वेरी अंडरस्टैंडेबल हम जो भी आने वाले वक्त में होंगे वो पास पर डिपेंड करता है जो चॉइसेस हमने पास में ली होंगी लेकिन वो झूठ बोलने को प्लान कर रहा होता है अब उसने ऑलरेडी एक रोड ले लिया है लेकिन वो कहता है कि मैं आने वाले वक्त में लोगों को बताऊंगा कि मैंने कौन से रोड को चूज़ किया था जो लेस ट्रैवल था सो दिस इज़ अ लाई क्योंकि पहले स्टेंसर्स में हमें पता चला है कि दोनों रोड्स जो हैं इक्वली बोर्न आउट थे बहुत ज़्यादा आइडेंटिकल और सिमिलर थे कोई भी ऐसा रोड नहीं था कि जिस पर लेस ट्रैवल किया हुआ था सो so, वो ये झूठ बोलेगा कि मैंने लेस ट्रैवल रोड लिया था और जो भी आज मैं अपनी लाइफ में हूँ उस लेस ट्रेवल रोड की वजह से हूँ सो यू सी इसके एनालिसिस में हमें क्या पता चलता है ह्यूमन नेचर में रिग्रेट्स हैं किस चीज़ के रिग्रेट्स हैं जो चॉइसेस वो ले नहीं सका जैसे कि हमने पिछले स्टेंसर में बोला जो आप इंतखा कर चुके हो यू हैव टू स्टिक टू इट जो छूट गया है उसको पीछे छोड़ दें तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है व्हेन इट कम्स टू टफ डिसीजन इन आर लाइफ्स वी ऑलवेज़ नो दैट नो मैटर वॉट वी फाइनली चूज़ इवेंचुअली वील रिग्रेट नॉट बींग एबल टू ट्राई द पॉसिबिलिटी दैट वॉज लेफ्ट अनचार्टेड बाई अस तो इसका ये सम uh, करके हम कह सकते हैं कि हमेशा हमारे माइंड में ये रहेगा कि जो ऑप्शन हमने लिया है वो तो ठीक है लेकिन जो छूट गया है उस पर रिग्रेट रहेगा कि वो ऑप्शन शायद बेहतर होता सो द थिंग इज़ कि हम कितना भी कोशिश कर लें कि हर चीज़ हमें मिल जाए कुछ ना कुछ तो छूटता है हाथ से हेंस लाइफ इज़ अबाउट द पाथ्स यू डू चूज़ टू वॉक थ्रू नॉट अबाउट द रोड नॉट टेकन So with this we have come towards the end of our today's video lecture. I hope you ajam ni clarity ke hoga. Inshallah we'll be talking about some new topic in our next video. Till then, take care. This is Maha, your English instructor, signing out.